हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से। और आज हम जा रहे हैं अपने यार दोस्तों से मिलने। सारे बाइकर्स इकट्ठे होंगे, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी साथ है। और अभी हम वेट कर रहे हैं अमित और वीरेंद्र भाई का, जो अभी आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा उनको आते हुए, तो उनका वेट कर रहे हैं। शायद वो नहीं, अभी नहीं आए। तो प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम यार दोस्तों से मिलेंगे, और चंडीगढ़ से इतने दूर हम अपने यार दोस्तों से मिलने आए हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चंडीगढ़ में बस बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें। ये देखो हमारे सुंदर पहाड़, ये मेरे घर से दिखता है नज़ारा। ये देखिए मेरे भाई साहब फोटोग्राफी करते हुए। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, नीला आसमान देखने को मिलता है, जो कि मोहाली चंडीगढ़ में नसीब नहीं होता आजकल, तो बिल्कुल नहीं, कोहरे की वजह से। तो देखते हैं, आज का प्लान है घूमने का, कई मंदिर जा रहे हैं जहाँ तक मुझे बताया गया। बाकी मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, बस ऐसे एक छोटी राइड होने वाली है, तो आपको उस छोटी राइड का एंजॉय करवाते हैं। सो फाइनली जिनका हम वेट कर रहे थे वो आ गए हैं। अरे अमित जी का और वीरेंद्र भाई का हम वेट कर रहे थे, ये पहुँच गए। ये हमारे जीजू जी पीछे से, हाय टू दर्शक। तो दर्शक जितने भी जो भी देख रहा है वो सारे दर्शक इस टाइम। तो अब हम जा रहे हैं और अब चलते हैं हम, अब दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र फिर। ओके, बाकी जो बाइकर्स हैं जिनका हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अंशु, दीपक एंड अदर जितने भी सारे बाइकर्स हैं, वो यहाँ पे हमें मिलेंगे। तब तक हम यहाँ पे उनका वेट करेंगे और थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्कियाँ लेंगे। ठंड बहुत है ना यार, ठंड बहुत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम फर्स्ट टाइम इनके साथ जा रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ है और बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा ठंड है बाकी थोड़ा ठंड है। और ये मेरा छोटा भाई, हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और अमित जी हम भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। चलो फिर हम अब चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं थोड़ी थोड़ी, और उनका इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद फिर टूर को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय, हमारी चाय आ चुकी है, अब हम पियेंगे चाय। लीजिए, ये मेरे वाली है, ये मैंने जूठी कर लिया काम था कुछ। तो भाई साहब चाय, वो मेरी जूठी है, उसको छोड़ मेरी जूठी है। चलो देखते हैं, अगर मैं जल्दी आ गया। हां वीरेंद्र भाई नहीं आ रहे, अभी दूसरी चाय पी है। आहा मस्त चाय, ये ठंडी ठंडी नहीं गर्म गर्म चाय। आहा, सर्दी में चाय का मजा ही कुछ और है। तो फाइनली जिनका हम इंतजार कर रहे थे सारे बाइकर्स आ गए हैं, ये सारे बाइकर्स हैं। से हाय टू दर्शक। चलो भाई लोगो, ये हमारे दीपक भाई कंफ्यूज ही रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा कैमरा सेट कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? डेस्टिनेशन हमने सेट किया है। क्या नाम है? हरसंग धार जा रहे हम। तो इसको करता है,
खड़ी करनी है, वहाँ खड़ी नहीं हो रही। चलो ठीक है। भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और अमित जी कहाँ चले आप? ऊपर वाले मंदिर को।
और दीपक भाई आप मेरा हेलमेट भी लेके आना, थैंक यू। और आपको अगर मैं यहाँ का व्यू दिखाऊँ तो वो देखिए, अगर बर्फ़ की चोटियाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई दे रही है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। मेरा हाथ थोड़ा शेकी हो रहा है ज़्यादा जूम पे, थोड़ा कम जूम करता हूँ, लग जाएगा पर ऐसे भी पता। वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे है मेरा गांव, वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो वहाँ वहाँ सामने पार इस पहाड़ी में मेरा गांव है। अब चलते हैं मंदिर के परिसर में। और ये मंदिर बन रहा है, थोड़ा सा मौसम में धुंध सी है, अदरवाइज़ यहाँ से जो व्यू होता वो कितना खूबसूरत होता। ये मंदिर बनने वाला है यहाँ पे, अभी इसका निर्माण चल रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर और नीले आसमान। और वो शायद पुराना मंदिर है, सारे हमारे जो मित्र हैं वो चले उस मंदिर की तरफ। और ये सेल्फी हो रही है, और ये हम मंदिर पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पे छोटा मंदिर। काफी चढ़ाई है, वाओ यहाँ से अगेन बर्फ की चोटियाँ, देखिए कितना खतरनाक है जगह पे लोगों ने मकान बनाए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, जो यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, देखिए हम कितनी ऊंचाई पे। और ये मेरे जो यार दोस्त है वो है पीछे, मेरे पीछे देखिए आप, आपको सतलुज दिखाई दे रही होगी, और इधर को दाड़ला घाट भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। अब हम वापस से चल पड़े हैं घर की तरफ, काफ़ी देर हमने यहाँ पे स्पेंड किया टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए, बहुत खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती है यहाँ पे। अब हम चले हैं वापस, और ये सामने मेरे यार दोस्त चल रहे हैं, ये देखिए ये सारी दोस्तों की टोली जा रही है घर की तरफ। अब सबसे जो मेन टास्क रहेगा ऑफ रोड में बाइक को उतारना, और ये इस मंदिर को बनने में भी कुछ समय लगेगा, शायद से नवरात्रि तक बोल रहे हैं कि जो अगले नवरात्रि आएंगे तब तक के लिए ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा मंदिर है। कौन सी जगह है चंदन, कौन सी धार? हरसंग धार, किसी को आना होगा तो हरसंग धार यहाँ का नाम है। और चारों चार जहाँ भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं आप हमारे पीछे सूरज जो है वो अस्त हो चुका है। और तो फ्रेंड्स बताइए फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही ऑन रोड ऑफ रोड हमने दोनों कवर किए हैं, बहुत मजा आया। कौन सी जगह गए थे हम, क्या नाम है? हरसिंह महादेव की धार है कोई, हरसिंह महादेव नाम याद नहीं आ रहा, हरसिंह धार यस, हरसिंह धार हम गए थे, बहुत ही ऊंचाई पे है वो, यहाँ से दिखता है वो कहीं पार जाके, हमारे को तो देखने नहीं रहा, इनको देखेगा। तो ये देखिए सूर्य अस्त हो चुका है मेरे पीछे, और मतलब बहुत मजा आया संडे राइड का, बहुत मजा आया। अब हमारे पुलिस वालों ने भी रोका, वो भी मैंने दिखा नहीं पाया। और ये अब हमारी आज दिन की आखिरी चाय, तो फिर ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय बाय। We'll be right back.